अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, मैं हूँ फरहाना और आज मैं आपके लिए फ़िश पकोड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि ये रमज़ान का महीना भी है तो इसमें ये रेसिपी अच्छी रहेगी और टेस्टी भी है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ये फ़िश है, इसके मैंने आप अपने सबसे पीसेस करें, मैंने ऐसे स्क्वायर में इस तरह के पीसेस काटे हैं और इनको धो के बिल्कुल ड्रेन कर लिया वाटर। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है तकरीबन 2 टीस्पून जो है इसके अंदर ये अजवाइन जाएगी, जिसको हम कैरम सीड्स भी कहते हैं। तो इसको आप अपने हथेली पे इस तरह से रख के और थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लें। अगर आपको इसका जायका ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें रोस्टेड क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा भुना हुआ और क्रश किया हुआ, ये तकरीबन जो है 2 टीस्पून जाएगा। और गार्लिक पाउडर वो इसके अंदर जो है 2 टीस्पून जाएगा। रेड चिली पाउडर वो आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं, मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूं। और इसके अलावा सॉल्ट जो है वो मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूं अभी, आप अपने हिसाब से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ये बेसन है, ग्राम फ्लावर, इसको ये जाएगा 3/4 कप। और इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है फ्लावर है, ऑल पर्पस फ्लावर जिसको हम मैदा कहते हैं, और 1 टेबल इसके अंदर जो है वो कॉर्न स्टार्च है। ये 1/2 लेमन का जूस है और इसके अंदर जो है पहले मैं मिक्स कर लूं। इसके अंदर जो है तकरीबन मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ 1/2 कप वाटर। इसको हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे और फिर इसके हम पकौड़े तल लेंगे। अभी मैंने इसमें पूरा 1/2 कप वाटर नहीं डाला है क्योंकि मुझे ये अभी ठीक लग रहा है, लेकिन तलते वक्त अगर ये थोड़ा सा थिक लगा तो मैं ऐड कर लूँगी, वो आप अपने हिसाब से देख के कर सकते हैं। तो ये हमारी जो मैरिनेशन है ये तैयार हो गई है, इसको मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी और फिर इसके पकौड़े फ्राई करूँगी।
तो हमारी जो फिश है अब इसको तलने का टाइम आ गया है और इसको फ्राई कर रही हूँ फिश पकौड़ा को। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही लजीज रेसिपी है और ये फिश पकौड़े बहुत ही मज़े के लगते हैं, खासतौर पर इफ्तार के लिए ये सबसे बेहतरीन स्नैक है। हमारी फिश रेडी हो गई है, थोड़ा सारे तल लें फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारी फिश पकोड़ा जो है बिल्कुल रेडी है, तैयार हैं और बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत लजीज बने हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को और फिर मुझे बताइएगा। अभी तो मेरा रोज़ा है, मैं खा के नहीं दिखा सकती। आप लोग ज़रूर इसको रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये फ़िश पकौड़ा की रेसिपी कैसे लगी। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू।